क्या करना है मुझे बताओ जल्दी से। मेरी नौकरी के लिए मैं आपके पहले तो इनकी मदद करो, ऐसे मत करो, इसकी मदद करते हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा के बीच में एक युवती जो कि बेरोजगार है रोते हुए अपनी व्यथा सीएम शिवराज सिंह चौहान को बता रही है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान खरगोन पहुंचे थे लाडली बहना सम्मेलन और पेसा एक्ट के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खरगोन पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के बाद जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस लौट रहे थे उस वक्त उनसे एक युवती जो है उनके पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाने लगी। आपको बता दें कि जो युवती है वो रो रो के बता रही थी कि उसके पिता का देहांत हो गया है, वो बहुत गरीब परिवार से आती है और साथ ही उसने बताया कि वो बेरोजगार है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान शांति से उन्होंने उस युवती की बात सुनी, साथ ही जो भी शिकायतें उस युवती को थी वो सब लिखवाई और जल्द ही उसकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। मेरे पापा का देहांत हो गया है, मेरी मम्मी बहुत बीमार है। क्या करना है मुझे बताओ जल्दी से। मेरी नौकरी के लिए मैं आपके पहले तो इनकी मदद करो, ऐसे मत करो, इसकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान खरगोन के इस कार्यक्रम से निकल रहे थे उस वक्त और भी युवतियां बच्चियां सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास मुलाकात करने पहुंची, साथ ही उनको मामा बोलकर संबोधित करने लगी। इतना ही नहीं, इन युवतियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से शिकायत की कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, आंगनबाड़ी को लेकर भी शिकायतें करती ये बच्चियां दिखाई दी। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन तमाम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी एक्टिव मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में लोग भी मौका पाकर अपनी शिकायतें लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच रहे हैं और उनका समाधान करने का आश्वासन भी मामा शिवराज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर खरगोन से भेजी सहयोगी उमेश रेवलिया ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।